सोने की। तो जल्दी कर इतनी देर से बैठे हुए काम क्यों रोको। कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे जरा ठेकेदार ने बुलाया, मैं उसके पास से हुआ हूँ। तुमने मुझे कहा था 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 2 महीने हो गए काम वैसा का वैसा पड़ा है, ये कोई तरीका है? रोज शाम को पैसे लेने आ जाते हो, काम करते नहीं हो, 6 दिहाड़ी मैं रोजाना दे रहा हूँ। ठेकेदार साहब, तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी, मेरे साथ चलो। क्या जरूरी बात है? मालिक वो हमारी ना वो पर्सनल बात है, बस 2 मिनट में ठेकेदार साहब, जल्दी आओ ठेकेदार साहब, तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है, जल्दी बता। ठेकेदार साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ काम कर रहा था, नीचे से सोने की ईंट निकल आई। सोना? मैंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अच्छा अच्छा, इधर आ, जल्दी आओ ठेकेदार साहब, किसी को पता ना चले। ईंट दिखा, तू जाओ मजदूरी कर, मैं ईंट से भागता हूँ। वाह ठेकेदार साहब वाह, सोने की ईंट तुम रखो, हम ये लल्लू पंजू, मैं जाके मालिक को बताता हूँ सब कुछ। सबर कर, ठंडा हो ठंडा, मैं जरा पैसे ले जाओ। उम्र सारी आ गए ठेकेदार साहब, पूरे 50,000 रुपए, किसी को पता ना चले। ठीक है अब तुम जाओ। हाँ भाई, कितनी बोरी और सीमेंट की चाहिए? मालिक 150 बोरी और लगेगी, उसके बाद घर रेडी हो जाएगा। मालिक मेरी बीवी की तबीयत खराब है, जरा मुझे छुट्टी मिल जाए छुट्टी। हर रोज तो बीवी का बहाना बना के छुट्टी करते हैं भाई, तबीयत खराब है। अगर अब तूने छुट्टी करी ना, फिर कल से काम पे तू ना आइयो। ठीक है मालिक, मैं काम चल रहा हूँ। ठीक है। ओए ये वैसे भी चब्बल है, किसी और ठेकेदार का पता करते हैं, ये काम बिल्कुल करता ही नहीं। मालिक ये क्या काम है आपको? भजन, मेरे पास एक सोने की ईंट है, आप इसका रेट बताएंगे कितने की होगी? भजन ये एक मामूली सा पत्थर है। इस हरामी ने मेरे से 50,000 भी ले लिया और मैंने नौकरी भी छोड़ दी, मैं अभी जाके इसे पकड़ता हूँ। मालिक मालिक, मीदा मजदूर किधर है? मीदा मजदूर जब तू काम छोड़ के गया था 15 मिनट बाद वो भी निकल गया था।